नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद। डॉक्टर मनीष, ये बताइए हमें कि कहां से अपनी बात आज आप शुरू करना चाहेंगे, दिलपा से अपनी बात शुरू करेंगे या आप और कुछ अपना कोई बहुत इम्पोर्टेंट आप टॉपिक लेना चाहेंगे? देखिए, येदुरप्पा के बारे में मैंने कल सवेरे अपने ट्विटर पर मैंने ट्वीट किया था जी कि वो जो है फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी तक इस तरह की न्यूज नहीं आई है, तो मुझे लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वहां पे बदल दिए जाएंगे और येदुरप्पा को बीजेपी को वापस चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। लेकिन सदानंद गौड़ा ने तो ये कहा है कि जो भी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बारे में उनको अभी फिलहाल कोई इल्म नहीं है। और इसके साथ साथ अभी मैं न्यूज देख रही थी तो ये भी था कि येदुरप्पा ने तो बाकायदा कह दिया है कि वो बजट में बैठेंगे और उनके साथी भी बैठेंगे। तो इस पूरे तब्दीली में कैसे इसको देखेंगे आप? तब्दीली नहीं, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज प्लेन एंड सिंपल, बीजेपी के पास वहां पे ताकत नहीं है। बीजेपी के पास वहां येदुरप्पा के अलावा कोई दूसरा लीडर नहीं है। बीजेपी के पास वहां पे संगठन नहीं है और बीजेपी ने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं कर्नाटका के अंदर में कि अपने संगठन के बदौलत वहां पे कुछ चुनाव जीत सके या लोकसभा में कुछ सीटें ला सके। तो ये अच्छी बात है, कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह पे चलेगी। इतने सारे चीफ मिनिस्टर हैं जो बेईमान है, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, कुछ की बेईमानी सामने है, कुछ की बेईमानी नहीं है। इसको लोकायुक्त ने पकड़ा, शीला दीक्षित को तो लोकायुक्त ने कह दिया, वो तो फिर भी बनी हुई है। यहां पे बहुत सारे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पे लूट मचा, फिर भी मिनिस्टर बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये पॉलिटिकल मोरालिटी और इमोरालिटी के चक्कर में जो भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई रहती है अननेसेसरी की, रीजन क्या है कि सब बेईमान है, एमएलएज हैं, विधायक हैं। उसको दिल्ली में बैठ करके जो एसी कमरे में जो बैठ के मठाधीश लोग हैं टाइप के जो स्ट्रेटजिशियन हैं, दे हैव नो राइट टू थ्रो दिस मैन आउट। ये वैसा ही प्रॉब्लम है जी। जो कांग्रेस पार्टी ने उत्तरांचल में किया, उत्तराखंड में किया, तो वहां बहुगुणा को आपने बना दिया। कौन किसी का इसका नाम किसी ने सुना नहीं, किसी का कुछ नहीं किया। आप जो है दिल्ली में उसको बिठा करके जो है आप डिसाइड कर लेते हो कि वो उसके बहन ने यूपी में कांग्रेस की मिट्टी पलित कर दी, आपने उसने ही नाम दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये दोनों में ट्रेडिशन बनता चला जा रहा है कि आप पार्टी का जो नुकसान करेगा, पार्टी को जो हरवा देगा, उसको जो आप इनाम दे दोगे, और जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा, जैसे हरीश रावत 40 साल तकरीबन उन्होंने पॉलिटिक्स में लगा दिया अपनी जिंदगी के, उनको आप जो है उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये चीज है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कभी भी टूट सकती है। एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी से मैंने जुड़ा हुआ मामला है कि राज्यसभा को लेकर के झारखंड से एक किसी बिजनेसमैन को आपने जो है नियुक्त कर दिया। दिल्ली में जो उनके प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनसे टेलीविजन चैनल वाले बात कर रहे हैं कि भाई इन्हें क्यों आपने मिश्रा जी को नॉमिनेट करवा दिया। तो वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं जानता। तो राज्यसभा जैसे चीजों को आपने जो है एक तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं कि आपने बेच दिया। हर पार्टी बेचते हैं, उसे बीजेपी में कोई सिर्फ ये खासियत नहीं है। हर पार्टी जो है, जो अंडर द टेबल जो कैंडिडेट्स राज्यसभा में आते हैं, ये सब ये बेसिकली इन लोगों ने राज्यसभा की सीटों को बेचना शुरू कर दिया है। दिस इज सच अ पैथेटिक सिचुएशन कि आप जो है जो अपर हाउस है उसकी सीटों की जो है आप बोली लगाने लग गए। दलाली हो रही है एक तरह से, देखा जाए तो खुल्लम खुल्ला। और यही यशवंत सिन्हा ने ऑब्जेक्ट किया, आप आहलूवालिया जैसे लीडर, आपके फ्रंट रो में बैठने वाले बीजेपी के लीडर, उनको आप नॉमिनेशन नहीं करने देते हो और किसी व्यक्ति को जो आप बुला लेते हो और उस व्यक्ति का, देखिए
डेमोक्रेसी में उसकी मैंने हिम्मत देखी है। वो ये कह रहा है टीवी पे कि भाई मेरी बात हुई है बीजेपी के एमएलए से, मेरी बात हुई है जेडीयू से, मेरी बात हुई है आजसू से, और यशवंत सिन्हा को ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनके समर्थन में एक भी एमएलए नहीं है, ये खामखा है, ये एक इशू पैदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, गडकरी साहब इनको आरएसएस ने भेजा था यहाँ पे सर्जन बना के कि बीजेपी का वो जो है बीमारी है उसकी सर्जरी करेंगे। इनकी सर्जरी जो है वो फेल हो रही है, हर जगह चुनाव हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां आप आराम से 100 से ज्यादा सीटें जीत सकते थे, जहां पे आपको जो है सब कुछ करना था, जहां पे बिल्कुल जो है नए लोगों को, संगठन को सब कुछ करना था, लास्ट दिन तक बीजेपी जो है इसी चक्कर में फंसी रह गई कि चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, हाँ। नेता कौन रहेगा, किसको बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए, कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए। सबसे लास्ट में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया, प्रचार पता नहीं चल पाया बीजेपी का कि भाई आखिर करेगा कौन। तो आप जो है, और ऊपर से जो है एक बीच में आपने तीर मार दिया, पूरी दुनिया भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने तैयार है वोट देने के लिए, और गडकरी साहब ने कहां से कुशवाहा को बुला लिया, बाबू भाई कुशवाहा को बुला लिया। आप जो है आप बैल मुझे मार, आप जो है आपने वो सारे काम किए, वो तो राहुल गांधी की और उसके जो एडवाइजर्स थे वो उन्होंने जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा दिया। मैं आपसे पता बीच में भी कहने वाली थी कि नहीं तो बीजेपी की सीटें जो है जी वो बिल्कुल घट के पहुंच जाती 10-15 पे। और एक आदमी का क्रेडिट संजय भाई जोशी जी, जिसको आरएसएस की तरफ से जो है यूपी में भेजा गया था। और तो ये उमा भारती और संजय भाई जोशी जी, इन दोनों की वजह से ये 3 सीटें कम हुई, इज्जत बच गई कि कम से कम उन्होंने जो है जो इलेक्टोरल इक्वेशंस जो है उसने सही रखे। लेकिन जहां जहां नहीं वो लोग गए, जहां जहां उनको बोला गया कि भाई आप इधर से दूर रहिए, वहां पूरी की पूरी बीजेपी वॉश आउट हो गई। तो ये तो हाल है। नहीं, कांग्रेस के पास तो देखिए काफी कद्दावर लीडर्स थे, लेकिन कांग्रेस का हाल जो खराब हुआ वो तो आप और हम सभी जानते हैं। अब बीजेपी के पास उतने कद्दावर लीडर्स थे? नहीं, देखिए कांग्रेस को आप जिस तरीके से सामने रखते हैं, कांग्रेस की तुलना हमेशा अच्छे लीडरों के साथ होती है। कांग्रेस में आप देखिए, कांग्रेस ने जितनी कैंपेनिंग में आप किसी को भी ले लीजिए, सोनिया कुछ कम नहीं है, प्रियंका कम नहीं है, राहुल गांधी खुद कम नहीं है, है ना, और भी आप दूसरे लीडर्स को लेते जाइए, सलमान खुर्शीद कम नहीं है अपने आप में। तो ये इतने बड़े बड़े कद्दावर लीडर्स हैं, इनके सामने सुषमा स्वराज बेशक आप ले सकते हैं, उमा भारती को वो कंडीशन नहीं है जो आप मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ना आई होती तो इतनी सीटें भी ना मिलती, मतलब कंपेरिजन जब आप कर रहे हैं उस बात पे मैं कह रही हूँ। गांधी परिवार के जितने लीडर्स हैं, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल राहुल गांधी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, इनकी लीडरशिप का टेस्टिंग क्या है? इनकी लीडरशिप का टेस्टिंग पहले तो यह हुआ करता था, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ गांधी परिवार के नाम से वोट आ जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की आइडियोलॉजी चेंज होती जा रही है, अब मुझे जो लग रहा है कि नौजवान तबका जो है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बहुत खुश नहीं है। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो हम सामने लेकर आ सकते हैं। देखिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की बातों से। एक पहला प्रॉब्लम ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है, जिधर हवा देखते हैं वो सोई उनकी आइडियोलॉजी हो जाती है, तो वो एक अलग इशू है। दूसरी बात, आपके पास जो अमेठी है, आपके पास जो रायबरेली है, और एक और सीट जो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ माना जाता है वो सुल्तानपुर है, आपने कितने सीट जीता है? आप उनको बड़ी बड़ी लीडर्स मान रही हैं, ये मीडिया के लोग लीडर्स मानते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है, देखिए ये अखबार के लोग जो है, अखबार के लोग इसको लीडर्स मानते हैं। अगर जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने राज्य में चुनाव जितवाने की कैपेसिटी नहीं रखता है, उसको लीडर कैसे माना जाए ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। रायबरेली और अमेठी की हार तो यकीनन बहुत ही शर्मनाक है। आपने सलमान
खुर्शीद का नाम लिया आपने, पांचवें पोजीशन पे उसकी बीवी है, उसके शहर से, उसके अपने शहर से, उसके शहर से बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए ये कैसा कद्दावर लीडर है, ये लीडर पेपर, ये मैं सरकास्टिक वे में कह रही हूँ, आपने मेरी बात नहीं समझी। ये जो है ये पेपर टाइगर्स हैं, ये टेलीविजन चैनल अखबार वालों को पैसे दे करके अपनी लीडर चलाते हैं। द बेसिक प्रॉब्लम विद द होल थिंग इज दिस, आपने देखा किस तरीके से अखबार वालों ने, उर्दू अखबार वालों ने, जिस टाइम जिस टाइम राहुल गांधी जाते थे, राज बब्बर, राजीव शुक्ला, कौन कौन सा जो लटका नहीं जाते थे, और इन सब ने कैंपेनिंग में कितनी आप देखिए मदद की, और सारी जितनी भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी सब ये लोग मिलकर चला रहे थे। मैं आपको बताऊं, आप इन सब लोगों का नाम मत लीजिए, मेरे मुंह से कुछ गलती बात, आप मुझे बताइए इस सारे उर्दू के अखबार कांग्रेस के चमचागिरी में लगे हुए, बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोगों ने स्टोरी की बिल्कुल कि किस तरीके से इन्होंने ये समझ लिया कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, बिल्कुल बिना बेवकूफ, मैंने आइडियोलॉजी यही है कि मुसलमानों को, दलितों को, बैकवर्ड्स को सिर्फ मूर्ख बना करके ही इनसे वोट लिया जा सकता है। मैं वही बात कह रही हूँ, कांग्रेस ने बिल्कुल एक तरीके से, मतलब उनके लीडर्स ने समझ लिया कि हम नाखुदा बन बैठे, जैसे हम चाहेंगे मुसलमानों को, वही मुस्लिम वोट बैंक की जब आप बात करते हैं, उन्होंने दलितों को भी साथ लिया, मुसलमानों को भी, बिल्कुल। ये चीज जो है तो ये अति बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इन लोगों ने ये किया, लेकिन कांग्रेस की तो गति ये ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मुझे अब लग नजर आ रही है कि कांग्रेस तो वो एंटी पीपल है, एंटी दलित है, एंटी मुस्लिम है, इन्होंने 5-7 साल में ये तय कर दिया, जिस तरह का बजट भी आया है उससे भी तय हो गया, लेकिन मेरी परेशानी अब दूसरी हो गई है, वह बीजेपी की परेशानी में है, क्योंकि इस कांग्रेस के निगेटिव इमेज से, कांग्रेस की पॉलिसी से, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, कांग्रेस की रणनीति की वजह से लोग तो उब गए हैं, इस महंगाई से उब गए हैं, भ्रष्टाचार से उब गए हैं, घोटाले से उब गए हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है इससे उब गए हैं। एक आशा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अब ये जिस राह पर चल रही है तो बीजेपी और कांग्रेस में तो मुझे बिल्कुल लगता है कोई एकदम टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि इस देश को जो है बर्बाद कर डालो, इस देश को जो है चौपट कर डालो, जिस रास्ते पे कांग्रेस चलती है बस उस रास्ते पे बीजेपी चलती है, एक दो कदम आगे चलती है, और जिस रास्ते पे बीजेपी चलती है एक दो कदम आगे पीछे जो है ये दोनों जो है वो चल रहे हैं। तो ये देश के सामने जो है एक बहुत बड़ा संकट। अब देखिए, अब आडवाणी और गडकरी में खींची तलवार किसने खींची है, तो गडकरी जी कहीं से बिजनेसमैन उठा के ले आए राज्यसभा में, अब क्या डील हुई नहीं डील हुई इसको बताना चाहिए, आडवाणी जी को बोलना चाहिए कि वो कौन एमएलए है झारखंड के अंदर में जो इस बिजनेसमैन को फोन कर रहा है, पार्टी से बाहर कीजिए उनको। और ये कब आप कर पाएंगे, जब आप स्वयं ईमानदार हो। एक दिन संतोष जी से बातचीत हो रही थी कि भाई इस पे ऐसे एक्शन लेना चाहिए, अरे भाई वो बोलेगा कौन, वो कोई वैसा किसी भी पार्टी में वैसा कोई लीडर ही नहीं है जो मॉरल लेक्चर दे सके। ये क्राइसिस है, खुलेआम जो है राज्यसभा के टिकट को बेचा जा रहा है, और कोई आदमी नहीं है ये कहने वाला कि ये राज्यसभा है, इस देश को संकट में मत डालो, अगर फिर राज्यसभा ही बंद कर दो। तो वो मॉरल, मतलब किसी व्यक्ति में, ये पार्टी के अंदर किसी भी सीनियर व्यक्ति के पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि जो ये कह सके कि देखो इसमें पैसे के लेन देन है, इस व्यक्ति को राज्यसभा से रोका जाए। ये किसी भी पार्टी में नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी की समस्या नहीं है। तो ये राजनीति जो है इस स्तर पे पहुंच गई है, लोग जो है बार बार इस बात कहते हैं कि चिंताजनक स्थिति है, 70% वोटिंग के बाद जब आपको राजा भैया और दूसरे क्रिमिनल टाइप के लोग मंत्री के रूप में मिलेंगे, तो ये 70% लोग जो वोट जाकर के दिए हैं उनका विश्वास डेमोक्रेसी से उठेगा।
आप देखिए ना डॉक्टर मनी, जब हम इलेक्शन न्यूज लाइन कर रहे थे तो संतोष जी ने अपने एडिटर स्टेक में कितनी बार उन लोगों की फहरिस्त हम लोगों ने पेश करी। संतोष जी ने बताया कि जितने मतलब टिकट्स जो दिए गए कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड्स जितने थे और कितने केसेस थे, हजारों केसेस उनके ऊपर लगे हुए। जनता को समझना पड़ेगा जी कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कुछ भी हो, उसको सबक सिखाएं दाखिल उम्मीदवारों को वोट ना दें कम से कम। ये देश जो है बहुत ही सिंपल रास्ते पे जा रहा है और ये रास्ता जो है डिस्ट्रक्शन का है। 70-80% लोग वोट दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ बदलाव होगा। देखिए वोट जो है, ये बात तो सही है कि ये तब्दीली तो आई है कि लोग निकल पड़े हैं वोट देने के लिए कम से कम। तब्दीली से कुछ नहीं हुई है, डेंजरस है ये, डेंजरस है ये तब्दीली। लोग वोट देने निकल रहे हैं इतनी संख्या में तो ये बहुत ही डेंजरस, डेंजर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वो डेंजर ये है कि अगर सब लोग वोट देने जाएं इस सोच के कि सिस्टम में कुछ बदलाव होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई खत्म होगी, बेईमानी खत्म होगी, सड़क बिजली पानी एजुकेशन हेल्थ सब ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद से हर साल अगर आप वोट देने के लिए जा रहे हो और तब्दीली कोई नहीं रही है, तब्दीली 3-4-5 साल इलेक्शन के बाद नहीं होगा, तो फिर आप क्या कहोगे कि ये सिस्टम खराब है। फिर ये जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी नहीं, फिर कोई दूसरा रास्ता होगा जिससे जो ये तब्दीली आएगी। वो दूसरा रास्ता क्या होगा ये भगवान ही बता सकते हैं। एक रास्ता नक्सलियों का है जो गम पिस्तौल लेकर हथियार उठा लेंगे आखिर में। ये दिस इज, ये चीज जो है प्रणब दा को, ये सोनिया गांधी को, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को, ये मनमोहन सिंह जी को, इन लोगों को सोचना पड़ेगा। आप सरेआम जो है लोकसभा राज्यसभा की सीटें बेच देते हो, टिकट बेचा जा रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस इसलिए यूपी में हार गई क्योंकि टिकट, ये जो आपने जो नाम लेना स्टार्ट किया था, बहुत सारे और नाम लेती लेकिन इन लोगों के ऊपर आरोप है बिल्कुल कि इन लोगों ने कांग्रेस के टिकट्स पैसे लेकर के बांटे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। कोई आदमी अन्ना हजारे, रामदेव अगर आप पर हमला करते हैं तो पार्लियामेंट में दिन भर आप बैठ करके ये भाषण देते हो कि भाई ये तो डेमोक्रेसी का मंदिर है, डेमोक्रेसी के ऊपर किसी का डिक्टेशन नहीं हो सकता, टिकट बेचते हो। पॉलिटिकल पार्टीज को समझना पड़ेगा। तो ये चीज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। एक और इशू जो है जो मीडिया में एक दो दिन से छाया हुआ रहा, वो रेल मंत्री की शपथ का है बिल्कुल, कि रेल मंत्री जो है वो बने मुकुल राय। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि भाई कि ममता बनर्जी ने ब्लैकमेल किया, ये किया, वो किया। ममता बनर्जी ने ठीक किया, लेकिन ममता बनर्जी ने एक गलती की, टेररिज्म के खिलाफ जो एक्ट सरकार लेकर के आ रही है राज्यसभा में, एनसीटीसी का, उसमें ममता की पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, जिससे जो है जो पासिंग परसेंटेज जो है वो कम हो गई है। दूसरी गलती, कांग्रेस पार्टी को अगर आपको मदद करनी है आप ओपनली करो, पीपल कैन रीड दीज थिंग्स। मीडिया भरे बताए ना कि आपके एब्स्टेन करने से आप जो है एक ऐसा लगता है कि आप सचमुच जो है ब्लैकमेल करने वाले पार्टी बन गए हो। अगर स्टैंड लेना है तो इस पार या उस पार, लोगों को अच्छा लगता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो है, मुलायम सिंह यादव, बीएसपी, ये पिछले 5-7 साल से आप यूपीए में जब भी देखिए वोटिंग होगा, बीएसपी और एसपी, मैंने मुलायम सिंह और मायावती दोनों कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यूपी चुनाव के दौरान ये राहुल बाबा जो मायावती के ऊपर वो हाथी है जो पैसा खा गया है और दूसरा गुंडा राज, और उधर से अलग अलग चीजें, गाली गलौज तक हो गया नेताओं के बीच में, तो ये सब क्या था? तो ये खेल जो है पब्लिक जो इसको समझती है धीरे धीरे, नहीं समझेगी तो हम लोग समझाएंगे कि दिस इज व्हाट इट इज। रीजन बहुत ही सिंपल है, रीजन ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों को बस एक चीज का नशा है, वो पावर का नशा है। एक बार और ये पावर किस लिए जी? लोगों की भलाई के लिए नहीं,
इनके दिमाग में सेवा भाव नहीं है कि हम मंत्री बने हैं तो हम जनता की सेवा करेंगे, हम अधिकारी बने हैं हम जनता की सेवा करेंगे, ये भाव नहीं है। ये अभी भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम मंत्री बनेंगे हम राज करेंगे। तो दे वॉन्ट टू रूल दिस कंट्री। डेमोक्रेसी में रूल करने वाले लोग ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। अब ये बताइए डॉक्टर मनीष, एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा लिया गया और जिस तरीके से पूरी तब्दीली आई, ममता का कहना यह था कि मेरे से बजट डिस्कस नहीं किया गया। मैं कल का भी आपका प्रोग्राम देख रही थी, उसमें भी मैं बीच में मुझे ये सवाल मेरे जहन में आया था जो मैं करना चाहती थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ममता से डिस्कस न किया हो बजट? ममता ने किस बेस पे ये बात कही और क्यों? क्या डेमोक्रेसी में ऐसा वक्त होता है कि इधर बजट पेश हो और उधर आप उसको हटा दें? इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है। ये पूरा गेम कांग्रेस ने, मेन गेम इसका ये है कि कांग्रेस वांटेड टू ब्रेक टीएमसी, कि दिनेश त्रिवेदी के जरिए वो ममता को एक सबक सिखाना चाहती थी कि इसके मंत्रियों को तोड़ के जो है अपने साइड में ला लो, पार्टी को मैं तोड़ दूंगा, पार्टी के अंदर जो है बगावत करवा दूंगा। इस अंदाज से दिनेश त्रिवेदी साहब को इन लोगों ने ट्रैप किया और इसमें दिनेश त्रिवेदी जी ट्रैप हो गए। और ये जब ट्रैप हो गए, आप देखिए दिनेश त्रिवेदी का लैंग्वेज कैसे कैसे बदलता रहा। जब उन्होंने जो ये किया तो उन्होंने कहा कि भाई ममता जो है उनको मालूम नहीं था ये बजट सरकार पेश करती है, ये रॉयटर्स बिल्डिंग से ये बजट तैयार नहीं होता। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट, मैं मंत्री देश के लिए बना हूं, मेरे देश सबसे हित में सबसे ज्यादा है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद फिर मैं हूँ। तो ये जो भगत सिंह बनना चाह रहे थे, क्यों बनना चाह रहे थे? नहीं, ये भगत सिंह इसलिए बनना चाह रहे थे क्योंकि इनको कांग्रेस ने ये बताया होगा कि तुम लड़ जाओ, वो तो तुमको पार्टी से निकाल सकती है, लेकिन जो मंत्री तुम बने रहोगे ये हमारा प्रेरोगेटिव है। नहीं, ये नहीं हो सकता कि ममता ने सोचा हो कि इसको मैं अपने खिलौने की तरह इस्तेमाल करूं, पहले हाइक मतलब वो बढ़ जाए किराए और उसके बाद मैं गरीबों की मसीहा बन के सामने आ जाऊं? नहीं, कुछ ऐसा गेम प्लान नहीं है। ये वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। एक डिसएडवांटेज है ममता बनर्जी के साथ, उनका कम्युनिकेशन स्किल है वो बांग्ला लैंग्वेज में है। मैं बांग्ला कुछ समझता हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि जिस तरह से वो बंगला में बोलती है, अगर उस तरह की हिंदी आती, ममता बनर्जी कुछ दूसरे ही किस्म के लीडर होती, उनकी साख जो होती ना उनके सामने को नहीं टिक पाता, उनके सामने नहीं टिक पाता कोई। आप साथ में चुनाव लड़े हो, आपने अब तक बंगाल के लिए कोई पैकेज नहीं दिया, आप पैसे नहीं दे रहे हो, ममता बनर्जी क्या करेगी? आप जो है वो आप कांग्रेस पार्टी कल कोलकाता के अंदर में ममता के खिलाफ रैलियां निकाले और ममता बनर्जी कुछ ना करे, जबकि उनकी इंटीग्रिटी पे, ईमानदारी पे और उनका जो स्पॉन्टेनियस, बहुत सारे अंग्रेजी मीडिया को प्रॉब्लम होता है। तो ये मीडिया तो आधी तो पता नहीं किस दिमाग से काम करती है, व्हाटएवर, वो दिल की साफ है, उनके रिएक्शन से लगता है। इतना जो बॉडी लैंग्वेज देखकर कई बार अंदाजा होता है, सही कह रहे हैं, सोच समझ करके राजनीति का हर साल चलने वाले वो प्रणब मुखर्जी की तरह नहीं है कि जब वो कैंपेन कर रहे थे तो खुद को प्रधानमंत्री बता रहे थे, उस तरह की रिकॉर्डिंग्स भी आई थी कि मुझे वोट दो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और यहां जो है जब प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो ही फॉरगॉट एवरीथिंग और पूरा स्कीम जो है वो चलता रहता है। तो वो उस तरह की लीडर्स नहीं है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं, इनकी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन जो आप कह रही हैं कि वो पूरा स्कीम बना करके हाँ। गरीबों के मसीहा बनने के लिए ये सब काम की, नहीं, इन लोगों की बातचीत भी हुई थी, इन्होंने प्रणदा को कहा था कि सब काम करना, पैसे मत बढ़ाना, फिर भी इन लोगों ने बढ़ा दिया। अब आप देखिए पहला रिएक्शन जो, लेकिन एक बात है, जब वो खुद रेल मंत्री थी तब भी कोई बहुत अच्छा बजट तो उन्होंने भी पेश नहीं किया था। हाँ, एक ही लालू प्रसाद यादव के वक्त में एक अच्छा बजट, रेल बजट पेश किया गया था, जहां तक मैं समझ रही हूँ उन्होंने भी कोई बहुत, मैं आपको एक बात बताऊं, अनटिल अनलेस
ये अच्छा बुरा बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, और अखबारों में जो रिव्यू छपते हैं वो भी अपने किस्म का एक अलग प्रॉब्लम है उसमें। रेलवे इज इन अ बैड शेप, अभी से नहीं कई सालों से है, ये आपको बेस लाइन है। बिल्कुल, आंकड़ों से खिलवाड़ करके जो है लालू यादव जो है अपना नाम कमा लिए झूठ मूठ का। रेलवे में कुछ नहीं हुआ था उस समय भी। रेलवे के साथ यू नीड अ वेरी इमेजिनेटिव प्लानिंग। रेलवे में बिल्कुल उसके चरित्र को बदलना हो तो उसके लिए बहुत ही इमेजिनेटिव प्लान्स लाने होंगे, बिल्कुल उसका प्रारूप बदलना होगा। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट सब जो बैठे हुए हैं और जो कांग्रेस पार्टी है जो हर चीज में उस तरीके से जो चल रही है, जो विचारधारा के बारे में आप बता रही थी, कि इन्होंने तय कर लिया है कि इसको रेलवे को घूट घूट जहर दे दे करके धीरे धीरे करके मार दो और बाद में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो कि भाई अब इसको वापस दुरुस्त नहीं किया जा सकता। और बाहर से जैसे आपने एयरलाइंस में आपने घुसा लिया, वैसे जो है प्राइवेट सेक्टर को टाटा बिरला रिलायंस जो लोग इनको इलेक्शन कैंपेन के लिए हेलीकॉप्टर में उड़ने के लिए कैंपेन में खर्च करने के लिए राज्यसभा के टिकट खरीद बिक्री में जो मदद करते हैं उसको सौंप दो। यही बीजेपी करना चाहती थी, इसलिए नीतीश कुमार के समय और ममता बनर्जी के समय वो खराब बजट हुआ। यही काम कांग्रेस करना चाह रही है। ये दोनों जब गवर्नेंस में आते हैं तो दोनों का एक ही चीज होता है। डॉक्टर मनीष, प्रोग्राम के आखिर में मैं एक बहुत ही अहम आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। सवाल क्या, वो बात है जो वो दर्द जो हमारा है इस वक्त। आप देखिए, पांचों रियासतों में कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी फेल, कांग्रेस फेल, घोटालों में कांग्रेस सबसे आगे, महंगाई बजट पेश किया ऐसा बजट के जिससे सारा मतलब अमीरों का बजट, गरीब बिल्कुल रो रहा है उससे, बेतहाशा आप देखिए मुल्क की हालत इस वक्त खराब है, कोई कांग्रेस से खुश नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि सरकार जो चल रही है कि जैसे कोई घर होता है जिसका कोई सरबरा नहीं होता, अल्लाह तवक्कुल पे एक उर्दू में वर्ड कहा जाता है, अल्लाह तवक्कुल पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी कैसे सर्वाइव कर रही है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर पैसा खर्च करने वाले बिजनेसमैन है। क्या डेमोक्रेसी इसी का नाम है डॉक्टर मनीष, के 100 में से 98% जो है वो क्या कहते हैं आपकी, आप पूरी तरीके से फेल हैं, अगर 2% भी नहीं काम। यही इस देश की डेमोक्रेसी है, वो मैं कह रही हूँ कि डेमोक्रेसी इसी का नाम है। डेमोक्रेसी है, 9 बजे वाले रीडर से पूछिए जो सारे के सारे फेवर करते हैं कांग्रेस का बैठकर। वो कांग्रेस का ही नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का पैसा जाता है, रूलिंग पार्टी का, हर रूलिंग पार्टी का। आप देखिए हर जगह जो सरकार बदलेगी उनका तेवर भी बदल जाएगा। तो वो खैर वो अलग इशू है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज कि इस राजनीति से, इस सरकार से, इस पूरे सिस्टम से लोगों का भला होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये अन्ना हजारे, रामदेव ये आशा जगाते हैं और मुझे लगता है कि फिर ये लोग लेट कर रहे हैं। लेकिन अन्ना हजारे जी, दे शुड वंस अगेन स्टार्ट देयर एजिटेशन, और युवाओं को जो है घर छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। मुझे तो डॉक्टर मनीष ये भी लग रहा है कि यूपी में जिस तरीके से इतना रिमार्केबल चेंज आया और जिस तरीके से अन्ना हजारे के आंदोलन का उसमें बहुत हद तक उसके प्रचार का असर रहा, जहां तक मैं समझ रही हूँ, काफी क्रेडिट हम अन्ना हजारे को नहीं देंगे उसका यूपी में तब्दीली का। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसके लिए, वो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रामदेव और अन्ना हजारे, और अन्ना हजारे की टीम। अन्ना हजारे तो यूपी नहीं गए, नहीं गए तो नहीं, लेकिन आप नहीं इनडायरेक्टली जो जिस तरीके से काम हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। लोगों ने जो मूवमेंट यहाँ पे जो चलाया है इस देश के अंदर में जी, और वही मुसीबत है, इन्होंने लोगों को तो जगा दिया। अन्ना जी और रामदेव जी लोगों को जगाते तो जा रहे हैं, डायरेक्शन देना है अब उनको, डायरेक्शन देना पड़ेगा अब। लेकिन अब जगा दिया और जगाने के बाद उनके पास अगर ऑप्शन वही कांग्रेस, वही बीजेपी, वही
राजा भैया वही मायावती, तो ये जग करके क्या करने से क्या क्या होगा उससे? अब जगा जग तो गया, जनता जग गई है, लेकिन अब अन्ना जी को, अरविंद केजरीवाल को, रामदेव जी को, इन लोगों को उस डायरेक्शन देना पड़ेगा। या अगर ये लोग नहीं दे सकते हैं, वी नीड समबडी। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसा नहीं कि सब बेईमान है, सब चोर है। वैसे नेताओं को आगे आना पड़ेगा, अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना होगा, अपने नेताओं के खिलाफ बगावत करना होगा, जो भी जिस पार्टी में ईमानदार लोग हैं, ताकि वो इस जगे हुए समाज को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नया डायरेक्शन दे सके। तो ये था हमारा आज का ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम। कल अपने इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।